तो दोस्तों आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इस सीरियल में अक्सरा की माँ का नाम क्या था आपको पता नहीं होगा। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ अक्सरा की माँ के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके हस्बैंड के बारे में, उनकी रियल लाइफ के बारे में, उनकी बेटी के बारे में और उनके कार कलेक्शन और नेटवर्थ के बारे में भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों इस सीरियल में अक्सरा की माँ का नाम राजश्री विशंभरनाथ महेश्वरी था और रियल में उनका नाम लता सुब्रवाल है। दोस्तों लता सुब्रवाल का जन्म 28 अगस्त 1975 को हुआ था। आज 2023 के हिसाब से अब उनकी एज 48 ईयर है। उनका धर्म हिंदू धर्म है और उनकी राष्ट्रीयता भारतीयता है। दोस्तों अब बताता हूँ उनके फैमिली के बारे में। तो दोस्तों उनकी मम्मी पापा भाई बहन के बारे में कुछ अता पता नहीं है, यहाँ तक कि गूगल पर भी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उनके वैवाहिक स्थिति के बारे में। वो एक मैरिड है और उनके पति का नाम है संजीव सेठ। उनका एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम है आरव सेठ और दोस्तों उनकी कोई बेटी भी नहीं है। दोस्तों उनकी हाइट है 5'5". लता सुब्रवाल का वजन है 52 किलोग्राम। आज उनकी कुल नेटवर्थ $4 मिलियन है। दोस्तों बता दें कि लता सुब्रवाल ने टेलीविजन के साथ साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। वो एक छोटे पर्दे के लिए जानी जाती है लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। वो एक टेलीविजन के क्षेत्र में एक खूबसूरत अभिनेत्री है। लता सुब्रवाल का जन्म 28 अगस्त 1975 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से ताल्लुक रखती है। लता सुब्रवाल और उसके पति संजीव सेठ पहली बार यह रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर मिले थे और इस सीरियल में इन दोनों का पति पत्नी का रोल था और इसके चलते उन दोनों के बीच प्यार हो गया और समय के चलते 2010 में उन दोनों ने शादी कर ली और 2013 में उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था आरव सेठ। तो दोस्तों मैंने लता सुब्रवाल के बारे में पूरी जानकारी बता दी है और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि और आपको किसके बारे में जानकारी चाहिए।